नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आप सबों का स्वागत है। हम चलेंगे वृद्धि संधि की तरफ। अब वृद्धि संधि से पहले दीर्घ गुण ये सब संधि हो चुकी है, अब हम चलेंगे वृद्धि संधि की तरफ। चलें सबसे पहले वृद्धि संधि का कुछ नियम देखेंगे, इस नियम के बाद फिर हम लोग उदाहरण की तरफ चलेंगे। तो जिस तरह आपने देखा गुण संधि, इससे पहले वीडियो में गुण संधि आपने देखा, उसी तरह वृद्धि संधि का भी उदाहरण पर आया है, वृद्धि संधि का भी नियम है। अब इस नियम को देखेंगे क्या इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। तो यहां देखिए अ या प्लस से पहले अ या आ और प्लस के बाद ए या ए रहे तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा बन जाएगी। बात समझ गए हैं क्या होगा कि यदि प्लस से पहले अ या आ हो और प्लस के बाद ए हो या ए हो तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट में ओ में। तो प्लस से पहले अ या आ हो और प्लस के बाद ओ या औ हो तो क्या हो जाएगा, औ की मात्रा हो जाएगी। यहां अब देखेंगे कि प्लस से पहले अ या आ हो और प्लस के बाद री हो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलेंगे अब हम लोग इसमें इसका उदाहरण चलेंगे, एक एक उदाहरण करेंगे। सबसे पहले इसका उदाहरण करेंगे औ का, ऐ का उदाहरण करेंगे। अब ए का उदाहरण में देखेंगे सबसे पहले कि एक प्लस ए का क्या शब्द है, एक प्लस ए का। तो अब मैंने आपको यहां बताया कि प्लस से पहले अ या आ होना चाहिए और प्लस के बाद ए या ए होना चाहिए तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर में कि प्लस से पहले मुझे क्या मिल रहा है, तो प्लस से पहले यहां अ मिल रहा है, कहां तो क में अ की मात्रा मिल रही है, कहां तक यहां एक में अ और एक शब्द में ए, तो प्लस से पहले अ भी मिल गया और प्लस के बाद ए भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, और ए मिलकर के अ की मात्रा। मैंने कहा यहां आपसे कि अ हो या आ हो, ए हो या ऐ हो तो ऐ हो जाएगा, वही बात यहां भी हुई है, अ ए मिल करके ऐ हो गया। तो मैं यहां पर मैं अ का उदाहरण काम कर लिया, यहां पर मैं ऐ का भी काम कर लिया, ए का भी काम कर लिया हूं। अब क्या बच गया, तो एक में कोहलन और कह, तो यहां पर मैं ऐ से पहले किसको ले आएंगे, ऐ से पहले ए और क हलंत को लाएंगे और उसके बाद किसको लाएंगे, तो क विसर्ग को लाएंगे। तो अब इसको बस मिला देना है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, बस आप यदि समझ गए होंगे तो यहां पर मैं बस हो गया। तो एक प्लस एक ऐ क क्या हो जाएगा, एक ऐ क, यहां पर मैंने इसको कर दिया, फाइनल कर दिया, एक ऐ क शब्द आपका बन गया। अब चलेंगे नेक्स्ट में हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, मैं करूं आपके लिए दूसरा उदाहरण में देखेंगे हम लोग कि जुटा हुआ शब्द, यहां तो टूटा हुआ शब्द को जोड़े हैं और यहां जुटा हुआ शब्द को कैसे तोड़ेंगे इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो सदैव शब्द है, तो सदैव शब्द आपको बता दिए हैं कि जब भी ऐ या औ या आर ऐसा यदि मिले तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको तोड़ने के लिए उसको दो पार्ट में बांटेंगे। तो बांटेंगे दो पार्ट में, कहां पर वृद्धि मिल रहा है, वृद्धि संधि का वृद्धि कहां मिल रही है, यहां तो ए की मात्रा। यहां पर मैं ए को हम दो भाग में करेंगे, आ और ए। ठीक है, तो आ और ए में करेंगे, इससे पहले जब इसका काम हो गया यहां क्या बच गया, सौ और दो हलंत बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इससे पहले लिख देंगे सौ और दो हलंत यहां लिख दिए हैं, अब इसके बाद व बच गया तो व यहां लिख दिए, क्या हो गया, सद में आ मिल जाएगा, सदा प्लस एव, क्या हो गया, सदा प्लस एव शब्द आपका निष्पन्न हुआ। ठीक है, अब यहां पर मैं हम देखेंगे नेक्स्ट में मुझे देखना है कि मत प्लस ऐक्य शब्द है, तो मत प्लस ऐक्य शब्द को हम क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, ये टूटा हुआ शब्द है। ए का उदाहरण यहां हम लोग कर लिए, अब ए का उदाहरण भी एक देख लें, इसका तो हो गया, इसका हो गया,
अब इसका भी देखेंगे एक, तो यहाँ पर देखेंगे मत में अ है और ऐक्य में क्या है, ऐक्य में ए है, तो यहाँ पर में अ और यहाँ का ए दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, अ और ऐ, यहाँ अ और ऐ बराबर ऐ, उसी प्रकार अ और ऐ बराबर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, मत शब्द बचा हुआ है, यहाँ मत को ले आए हैं, उसके बाद क्यों सब बच गया तो क्यों को उतार दिए यहाँ, अब मिला देंगे तो मत में ऐ मिल जाएगा तो मतई, और क्यों कर देंगे तो मतई के शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर मतई के शब्द भी आपका बन गया। अब मैं देखूं एक शब्द आपके लिए फिर लाया हूं, जो जुटा हुआ शब्द है उसको तोड़ना है, ठीक है। अब जुटा हुआ शब्द को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो धनैश्वर्य शब्द आपके लिए लाए हैं। धनैश्वर्य में आप ऐ की मात्रा देख रहे हैं, ऐ की मात्रा को दो भाग में तोड़ेंगे, तो दो भाग में तोड़ने पर में अ और ऐ में तोड़े हैं इसको, क्यों, क्योंकि सामने में ऐश्वर्य शब्द होता है और उससे पहले धन शब्द होता है, धन का अ और ऐश्वर्य का ऐ, इस ऐ को तोड़े हैं यहाँ और ऐ में दो भाग में इसको हम डिवाइड बांटे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इससे पहले ऐ से पहले क्या है, तो धन में नौ हलंत, धन में नौ हलंत इसको लिख दिए यहाँ, धर नौ हलंत, उसके बाद स्वर्य शब्द है, स्वर्य शब्द को लिख दिए, इसको अब मिला देंगे क्या हो जाएगा, धन में अ मिल जाएगा धन, और प्लस ऐश्वर्य शब्द मिल जाएगा, यहाँ पर में आपका धन प्लस ऐश्वर्य शब्द भी संपन्न हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे किसमें, इसका काम हो गया, इसका काम यहाँ पर में हो गया है। अब हम चलेंगे औ का उदाहरण में, औ का उदाहरण में देखेंगे कि यहाँ यह जो औ है सो कैसे बनता है। अब देखेंगे कि औ, अब वन प्लस औषधि, क्या शब्द है, वन प्लस औषधि दिख रहा होगा प्रायः, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक है, तो वन प्लस औषधि शब्द है। अब वन में क्या है ओ और औषधि का ओ, यहां मैंने कहा कि ओ हो प्लस के पहले, प्लस के बाद ओ या ओ हो, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ यही बात हुई है, वन में ओ है और औषधि का ओ है, दोनों को एक मतलब एक जगह किए तो क्या हो गया, ओ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है, यहां तक तो समझ गए, ओ की मात्रा भी समझ गए। अब इसको हम देखेंगे, क्या देखना है मुझे कि वन प्लस ओ प्लस षधि, ठीक है, अब इसको बस कुछ नहीं करना है, मिला देना है, वन में नौ हलंत है, इसमें ओ मिल जाएगा तो वनो हो जाएगा और षधि हो जाएगा, क्या हो गया, वनोषधि, यहां वनोषधि शब्द भी आपका निष्पन्न हुआ, शब्द बना। चलिए अब हम चलेंगे इसके बाद दंतोष्ठ शब्द, इसी को एक तोड़ने के लिए भी आपको दिए हैं यहाँ पर में, इसको भी आप तोड़ेंगे सही से, देखेंगे ध्यान से तोड़िए एक बार, चलिए मैं ही करता हूं इसको, दंतोष्ठ शब्द, तो दंत इसको क्या करेंगे, ओ को अलग करेंगे, ओ को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ होगा, दंत में ओ होता है तो ओ लिख दिए यहाँ, उसके बाद ओष्ठ शब्द, ओष्ठ शब्द आता है ओष्ठ, ओष्ठ शब्द यहाँ आया, ओष्ठ का ओ लाए हैं, तब ओ प्लस ओ हो गया, अब इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, तो दंत में तहलंत, यहाँ दंत तहलंत कर लिए, उसके बाद मूर्धन्य ष और ठ संयुक्त वहां लिख दिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ पर दंत प्लस ओष्ठ शब्द यहाँ निष्पन्न हुआ। चलिए अब हम इसके बाद चलेंगे इसी को, यहां पर भी तो हम यहां जोड़ करके, जोड़ने के बाद तोड़े हैं इसको, ठीक है, अब इसी को क्या करें, तो जो टूटा हुआ है, टूटा हुआ है शब्द है, जुटा हुआ यहां तोड़े हैं, और अब इसी टूटा हुआ शब्द को क्या करेंगे, तो यहां जोड़ेंगे, तो किस तरह से जुटेगा देख लीजिए। अब फिर यहां पर में दंत में अ है, ठीक है, दंत में अ की मात्रा, ओष्ठ में ओ है यहां पर में, तो दंत का जो यहां अ है इसको यहां ले आए हैं, और ओष्ठ का जो ओ है ओ को यहां ले आए हैं, क्या हो गया, ओ और ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ, आपको बता दिए पहले ही कि ओ ओ मिलके ओ हो जाता है, तो ओ हो गया, और यहां क्या बच गया, तो ये शॉर्ट ठ बच गया, यहां दंत में त हलंत बच गया, द न त संयुक्त हलंत, ठीक है, यहां पर मैं दंत प्लस औ प्लस मूर्धन्य ष ठ संयुक्त लिख दिए,
चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया बात। अब चलेंगे नेक्स्ट में, इसको मिलाएंगे दंत में ओ मिलाए तो क्या हो जाएगा दंतो और मूर्धन्य षट्ठ संयुक्त दंतोष्ठ, यहां आपका दंतोष्ठ शब्द भी बन गया। अब मैं एक उदाहरण और लास्ट में करूं, आप देख रहे हैं यहां इसका हो गया, इसका हो गया, अब बच गया री का। तो अ के बाद यदि री रहेगा तो यहां पर देखिए ये गुण का अपवादक है, ठीक है ना, गुण का अपवादक होता है। चलिए इसमें अधिक आपको नहीं दिमाग लगाना है, गुण का अपवादक मतलब कि यहां पर मैं गुण भी हो सकता था लेकिन यहां कुछ सूत्र के कारण, यहां पर मैं कुछ सूत्र से क्या हो जाता है, यहां वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि में क्या होता है आर शब्द हो जाता है, आ और रोहलन आर, उसमें गुण में क्या होता था अर होता था और वृद्धि में आर शब्द हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे इसका उदाहरण, डायरेक्ट उदाहरण चलेंगे, प्र प्लस रिच्छति शब्द है, क्या है प्र प्लस रिच्छति, हाँ प्र प्लस रिच्छति शब्द है। अब देखेंगे प्र में क्या है तो प्र में अ है, रिच्छति में क्या है तो रिच्छति में री है, तो अ और री बराबर क्या हो जाता है आर हो जाता है। मैंने यहां कहा आपसे कि अ और री क्या होगा आर हो जाएगा, तो यहां पर हम देखेंगे प्र में अ है और आर है, चौथा संयुक्त और ऋषिकार है, क्या हो जाएगा यहां प्रहलन, क्योंकि मैं इसका अ निकाल लिया हूं, यहां इसका भी री को निकाल लिया तो क्या बच गया पर संयुक्त हलंत और क्षति, क्या हो जाएगा यहां पर में प्र में आर जोड़ देंगे यहां पर में प्रा हो जाएगा प्रार और चौथा संयुक्त प्रार क्षति आपका यहां बन गया। तो अब इसमें यदि कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आप कमेंट करेंगे फिर यदि कहीं और दिक्कत हो, यदि मैं फास्ट आगे बढ़ा हूं, आगे यदि ऐसी कोई दिक्कत हुई हो कि बहुत तेज जा रहा हूं, स्पीड जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे, और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और उसका सॉल्यूशन करूंगा। चलिए तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, रामपुरा।